वो देख एक्सरसाइज कर रही है। फट गई पैंट, फटनी ही थी। अरे जब तुम लोगों को पता है कि तुम लोग इतने मोटे होते हो तो फिर ये एक्सरसाइज क्यों करते हो? मैडम एक मिनट, पेमाराम बोलने दो इन्हें। अरे वाह, मोटी भैंस बोलती भी है, हमें तो पता ही नहीं था। पता तो हमें ये भी नहीं था कि ये भैंस एक्सरसाइज भी करती है। वाह, सही कह रही है यार तू, मुझे भी ना काफी शौक लगा ये जानकर। बे वो मोटी भैंस, कितनी भी एक्सरसाइज कर ले तू, कभी पतली नहीं होने वाली। तू ना अगर एक महीने लगातार ये वर्कआउट करेगी ना तो भी पतली नहीं हो सकती। एक महीना? अरे जिंदगी भर भी कर ली फिर भी पतली नहीं होने वाली। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, बस एक तो दिन का शौक है, फिर उसके बाद ना इस मोटी भैंस के सर से पतली होने का भूत अपने आप उतर जाएगा। देख देख कैसे एक्सरसाइज कर रही है, देख देख कैसे फैली हुई है। अरे अरे आंटी जी, उस मिरर के सामने मत जाओ, वो क्या है ना उस मिरर में आपकी बॉडी पूरी तरीके से दिखेगी नहीं। वो यहाँ पर दूसरे बाकी के बड़े मिरर्स भी हैं, आप उनके सामने जाओ, क्या पता तब जाकर आपकी बॉडी पूरी तरीके से दिख जाए आपको। और वैसे भी ये मिरर ना बहुत छोटा मिरर है, तो एक काम करो किसी बड़े मिरर में जाकर देखो जहाँ आपकी पूरी बॉडी फिट आए। जाओ। देखिए मैडम, आप बहुत देर से मैम की इंसल्ट करते हो, आप प्लीज इनसे ऐसा मत कहिए। अरे मैंने क्या गलत बोला, मैं तो बस एडवाइस दे रही थी इनको कि जाके किसी बड़े मिरर में देखे ना जहाँ इनकी पूरी बॉडी दिख सके इनको, मैं तो बस यही बोल रही थी। वैसे तुझे पता है यार हमारे देश की पॉपुलेशन ना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। नहीं यार मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। अरे कैसी बातें कर रही है, अगर हमारे देश के आधे लोग ऐसे ठूस ठूस कर खा खा के डबल हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को उनको एक की बजाय दो में तो गिनना पड़ेगा ना, पॉपुलेशन बढ़ी ना। हाँ यार पता नहीं कितना खाते हैं लोग, इन लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि कितना खाना चाहिए हमें, बल्कि एक इंसान की जगह दो दो इंसानों की सीट ले लेते हैं ये। मैडम आप लोगों का बहुत हो गया, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। अरे हम इसको कुछ थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो बस ये बोल रहे हैं कि ये तो स्लिम ट्रिम है, मिस वर्ल्ड है ये तो। बिल्कुल सही कहा, ये मैडम तो पूरी तरीके से फिट है, ओवरवेट तो हम लोग है ना। हाँ यार कल जिम आएंगे तब देखेंगे कि इसके जैसे लोग जिम आकर कितने पतले हो जाते हैं। आराम से वो ना जमीन देखकर चलना, क्या पता हमारे कोई जिम का मेंबर आपके पैरों के तले आ जाए और कुचल ना जाए। जाओ जाओ आराम से जाओ। देखिए मैडम आप जानती नहीं है ये कौन है। अबे ओ क्या कह रहे तू हमें, कि हम नहीं जानते कि ये कौन है, ये मोटी भैंस नहीं जानती कि हम लोग कौन है। और ट्रेनिंग देते ना तू यहाँ, तो अपना काम करना। और एक बात बता कितनी फीस है तेरी, एक काम कर ये ले एक साल की एक साथ फीस रख लियो, आई बात समझ में? देखो नहीं पेमाराम, सही वक्त आने पर ही बोलना है, अभी नहीं, अभी हमें अपने काम पर ध्यान देना। अरे हाँ हाँ आंटी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, काम पर ही ध्यान दो, बहुत अच्छी बात होती है काम पर ध्यान देना तो, लेकिन काम के साथ साथ ना सर अपनी बॉडी पर भी ध्यान दो, जगह जगह से फूल रही हो, किसी दिन गुब्बारे की तरह ना फट जाओगी। तो जा तू भी जा। मम्मी कब आएंगी यार आपकी फ्रेंड? बेटा आ जाएगी, वेट करो ना थोड़ी देर। यार बहुत टाइम लगा दिया। ये गुब्बारा यहाँ क्या कर रही है? दीदी ये भैंस तो इधर ही आ रही है। जानकी, अरे सावित्री कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरे बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे हम, मैंने अपनी दोनों बेटियों की जॉब के लिए बात की थी ना तुमसे, बस उन्हीं को तुमसे मिलाने लाई हूँ। बेटा यही वो आंटी है जो कंपनी की ओनर है, नमस्ते बोलो। तुम अब मेरा मतलब आप यहाँ? नमस्ते आंटी जी। क्या हुआ आप जानते हो पहले से उनको? हाँ बताओ ना अपनी मम्मी को, आप दोनों मुझे जानते हो? वो मम्मा शायद इनको शर्म आ रही है बताने में कि ये मुझे जानते हैं और इन्होंने मेरे साथ क्या किया। जानकी कल आपकी दोनों बेटियाँ मुझे जिम में मिली और वहाँ इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत अच्छे से मजाक उड़ाया। क्या क्या कहा था बेटा अपनी मम्मी को बताओ ज़रा, कि मैं मोटी हूँ, भैंस हूँ, गेंडा हूँ, और इन्होंने तो ये भी बोला था मैं गुब्बारा हूँ फट जाऊँगी, है ना बेटा? और मेरी वजह से, मुझ जैसे मोटे लोगों की वजह से हमारी कंट्री की पॉपुलेशन डबल हो रही है, क्योंकि सरकार हम जैसे लोगों को डबल में काउंट करती है ना बेटा? सॉरी आंटी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, वो तो बस हमने मस्ती मजाक में बोल दिया। नहीं बेटा ये मस्ती मजाक नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता है शायद कि आप लोगों को हर्ट करते हो, बॉडी शेम करते हो, वेट शेम करते हो। आपने कभी सोचा है
कि उस इंसान पर क्या बीतती होगी। हाँ, और कभी ये सोचने की कोशिश की है कि वो मोटा क्यों है? हो सकता है वो वेट लूज़ करना चाहता हो। मैं भी वेट लूज़ करना चाहती हूँ, तभी आपको जिम में मिली थी, नहीं तो मैं भी घर में रह सकती थी ना। लेकिन मेरी भी कोई कंडीशंस हो सकती हैं, परेशानियाँ हो सकती हैं, जिसकी वजह से मैं वेट लूज़ नहीं कर पा रही थी। हाँ, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बस मुँह खोलना आता है और दूसरों का बुरा भला कहना आता है, कभी ये सोचते ही नहीं हो कि उन्हें भी बुरा लग सकता है। और ट्रेनर के साथ भी इन्होंने बदतमीजी की, क्योंकि वो मेरी साइड ले रहा था। तुमने अपना कार्ड ठेक कर मुँह पर मारा था ना कि जितने पैसे लेने हो ले लो, तो आज यहाँ जॉब के लिए क्यों आए हो? तुम्हारे पास तो खूब पैसा है ना बेटा, हाँ, तुम्हें तो जॉब की नीड ही नहीं है। सॉरी आंटी, वो सब तो मजाक था, मस्ती मजाक तो चलता ही रहता है, आपको तो पता ही आजकल के हम जैसे बच्चे नॉर्मल मजाक। नहीं, सॉरी की ज़रूरत नहीं है। और जानकी, मैं किसी को जज नहीं करती, मैंने तो जिस तरह से तुमने बोला, मैं तो इन दोनों को जॉब में रखना चाहती थी, और अगर इनके पास डिग्रीज भी ना होती ना, तब भी मैं जॉब में रखती। लेकिन मैं ऐसे बुरे बिहेवियर वाली लड़कियों को अपनी कंपनी में जॉब नहीं दे सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी कंपनी में ऐसे लोग काम करें जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उनको जज करते हैं। मेरे क्लाइंट्स और मेरे कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़ पर बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए मैं इनको जॉब नहीं दे सकती। तुम्हें पता है वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, और आज इतनी बड़ी पोस्ट पे जाके मंडल इंडस्ट्रीज की ओनर होने के बावजूद वो मुझसे मिलने आई, टाइम दिया मुझे, और बिना तुम्हारे कोई डॉक्यूमेंट देके तुम्हारा इंटरव्यू लिए उन्होंने जॉब के लिए हाँ बोल दिया था। और सावित्री, मैं अपनी दोनों बेटियों की तरफ से तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाई। नहीं नहीं जानकी, तुम माफ़ी मत मांगो, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं। कभी कभी बच्चे ना गलत रास्ते पर चले ही जाते हैं, चाहे माँ बाप कितना भी उन्हें सिखाने की कोशिश करें। मैं तो तुम दोनों से यही कहूँगी कि अगर तुम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हो ना, कुछ हासिल करना चाहती हो, तो अपना ये बिहेवियर छोड़ दो, वरना कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। आज मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया है, फेल किया है, आगे और भी लोग तुम्हें फेल करेंगे, कोशिश करो शायद तुम्हारा बिहेवियर बदल जाए। आंटी जी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मम्मी ने कहा ना, आप तो हमारी माँ की उम्र की हैं, तो हम भी आपके बच्चे जैसे हुए, प्लीज़ हमारी नादानी समझकर हमें माफ़ कर दो। अगर मेरे खुद के बच्चे ऐसे होते ना, तो मैं उनको भी अपनी कंपनी में जगह नहीं देती। और तुमने क्या बोला, नादानी? बेटा ये नादानी नहीं होती, ये जानबूझ के किया हुआ क्राइम होता है। तुम दोनों ने नादानी में नहीं, जानबूझ के ऐसा किया हर्ट करने के लिए, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बाकी लोगों के साथ भी तुम ऐसा ही करती होगी, मुझे पक्का विश्वास है। जानकी, अब मैं चलती हूँ, हम आराम से फिर से मिलेंगे। हाँ, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोग साथ मिसबिहेव करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो प्लीज़ कभी भी किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करें। हमेशा सबका मतलब सबकी रिस्पेक्ट करें, सबको एक अच्छे आदर से देखें, आदर दे, क्योंकि आप जितना दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं उतनी रिस्पेक्ट आपकी बढ़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, सबको एक जैसा ट्रीट करें, सबका ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और आप कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोस में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं ऐसे ऐसे मॉरल के साथ। और अपना ध्यान रखिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।